तो आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ ऐसे बहुत सारे मिथ बस्टर्स, या नहीं तो जो बातें अफवाहें बहुत सी फैल रही हैं कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, और इसके बारे में कितना सच है और कितना गलत है या पूरी तरह से सच नहीं है, हम उसे खुलासा करेंगे आज। इस बात की गहराई को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये कोरोना वायरस आखिर फैलता कैसे है, और ये सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक्चुअली एक बहुत बड़े वायरसेस का एक फैमिली है, उसका ही एक सदस्य है वो भी, और बाकी जो टाइप के कोरोना वायरसेस हैं ये हम काफ़ी पहले से जानते हैं इनके बारे में। इनमें से कुछ वायरसेस हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं, जैसे कि 2003 में 2003 और 2004 के आसपास एक सार्स एपिडेमिक आया था, वो भी ऐसे ही एक कोरोना वायरस की वजह से हुआ था। ये वायरसेस जो हैं ये चमगादड़ और बाकी जानवरों में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब इनफैक्ट ये भी रिसर्च किया गया है कि बैट्स में या चमगादड़ों में तकरीबन 300 अलग अलग तरह के कोरोना वायरसेस की फैमिलीज मौजूद हैं, जिनमें से हम अब तक तो बहुत थोड़े से दो चार नाम ही जानते हैं या उनकी पहचान ही हो सकी है अब तक। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि इस वैश्विक महामारी को कंट्रोल में करने के बाद हमें इन सारी जो बातें हैं जो कि एक तरह से ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में हमें इन सबको एड्रेस करना पड़ेगा एज अ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। तो ये ऑफ कोर्स अगला सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर कोरोना वायरस में जो कि इतनी बुरी तरह से फैल चुका है, फैल रहा है, इसकी फैलने की क्षमता इतनी है और इतने सारे लोगों को दुनिया भर के अलग अलग देशों में हर तरह के हर स्तर के लोगों में, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और सभी अलग अलग श्रेणी के लोगों को एक ही तरह से ये इन्वॉल्व करता जा रहा है, इन्फेक्ट करता जा रहा है और लोग मरते जा रहे हैं इससे। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल द हेल्थ केयर टुडे और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वायरस में से क्या खासियत है, जब मैं ये बता रही हूँ कि कोरोना वायरस जो है एक नॉर्मल सा वायरस ही है, ये सभी वायरसेस जो हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में, इस पर्टिकुलर वायरस जो है इसका नाम है सार्स कोव 2, इस वायरस की तरह बाकी भी जो हमारे लंग हैं, फेफड़े हैं, उनके सेल्स पर अटैक करते हैं, हमारे फेफड़ों के सेल्स पर अटैक करते हैं और उन सेल्स के अंदर जाने के बाद हमारे ही शरीर की जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है जिससे कि हमारे और नॉर्मल सेल्स बनते हैं, उसी का इस्तेमाल कर और अपने ही तरह के और वायरसेस पैदा करना शुरू कर देता है, और वो भी बहुत ही तेज़ गति से, जिसके वजह से हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं ये टूट जाते हैं और उनमें से जो पदार्थ, जो रसायन, जो केमिकल्स निकलते हैं जिसकी वजह से पूरे बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन कहते हैं या फिर एक तरह से एक लाल रंग का जो एक इन्फ्लेमेशन, एक रिएक्शन शुरू होता है जिसके वजह से हमारी मौत हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो मरते हैं इस कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से वो मर जाते हैं लंग के, जो उनके फेफड़ों के फेलियर की वजह से, या उनके जो लंग्स काम नहीं कर पाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और उसके वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है लंग, उस जिसके बाद जो लंग्स के जो काम है वो है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और हमारे बॉडी शरीर में जो वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालना, वो काम नहीं कर पाता। तो इस तरह से एक बार ये लंग्स ख़राब होने के बाद हमें उस पेशेंट को एक आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे, मैकेनिकल वेंटिलेशन जो कहते हैं, उस पे रखना पड़ता है, जो एक मशीन होती है जिस जो कि जब हम सांस नहीं ले सकते हैं तो वो मशीन हमारे लिए सांस लेती है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं इसे उसके चलाने के, और आपको मैं इसके बारे में अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। अभी सबने सुना होगा कि इस समय पर कोरोना वायरस से बचने के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है उसकी कमी है बहुत, और साथ ही साथ में अगर कोई मरीज़ वेंटिलेटर पे पहुंच जाए तो इन मरीज़ों की इतनी तादाद बढ़ गई है कि अभी वेंटिलेटर की कमी भी हो रही है। इसीलिए काफ़ी सारे गवर्नमेंट और काफ़ी सारे प्राइवेट उत्पादक भी वेंटिलेटर्स बना रहे हैं भारत में भी और पूरे विश्व में भी इस समय पर।
धन्यवाद।